24 मई से 5% से कम कोरोना शरह वाले अजला में स्कूलों समेत तालीमी इदारे खुल जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान 20 जून के बाद होंगे। NCOC का ऐलान, 7 जून से कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी। तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। हतमी फैसला 27 मई के इजलास में होगा। यकुम जून से आउटडोर शादी की तकरीबात हो सकेंगी। 150 तक अफराद शरीक हो सकेंगे। NCOC 27 मई को सूरत हाल का दोबारा जायजा लेगा। रेस्टोरेंट्स में 24 मई से आउटडोर डाइनिंग की इजाजत। शहरी रात 12 बजे तक आउटडोर खाना खा सकेंगे। इनडोर खाना खाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। टेक अवे की 24 घंटे इजाजत होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मार्केट्स हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। मुतालिका 2 दिन का फैसला मकामी इंतजामिया करेगी। गडानी और मिस्री शाह की सनतों को कल से खोलने का ऐलान। सयाहों को घूमने फिरने की इजाजत मिल गई। मरी, गलियात, नारान, कागान, कालाम, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में जा सकेंगे। NCOC ने 24 मई से सयाहती मकामात खोलने की इजाजत दे दी। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलती रहेगी। रेल में 70% मुसाफिर बिठाने की इजाजत। ईरान, अफगानिस्तान, भारत से मुल्की सरहदें ताहुक में सानी बंद रहेंगी। मुल्क भर में सिनेमा, मजारात और जिम बंद रहेंगे। मजहबी, सकाफती, खेलों और मौसीकी की तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पार्क्स में सिर्फ जॉगिंग की इजाजत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, दुम दबाकर लंदन भागने वालों को वापस लाएंगे। पैसे बचाने के लिए लंदन भागने वाले ज्यादा देर नहीं बचेंगे। सारे माफिया इकट्ठे होकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। माफिया को कानून के नीचे लाकर लेकर आऊंगा। NRO नहीं दूंगा। कानून की बालादस्ती और माफियाज की सरकूबी से मुल्क तरक्की करेगा। जहांगीर तरीन का पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयां करने का इल्जाम। कहा, वजीर आजम की पॉलिसी के खिलाफ दबाव डाला जा रहा है। अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। असेंबली में तर्जुमानी के लिए अलग ग्रुप बनाया गया। पंजाब हुकूमत के वजूद में हमारा भी हिस्सा है। इंतकामी कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, PTI का हिस्सा है। पार्टी न टूटी है और न टूटेगी। वजीर आला पंजाब ने कहा, किसी से इंतकामी कार्रवाई की है ना करेंगे। इल्जामात लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। मुखालिफ अनासिर NRO के मुतलाशी हैं, जो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। उस्मान बुज़दार से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। तरक्याती मंसूबे और हलकों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मरियम नवाज का हुकूमत पर तंज। कहा, मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में रहकर भी नहीं टूटी। जाबिर हुक्मरान हुकूमत में और एक पेज पर रहकर भी टूट गए। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। कल से चैमगोइयां हो रही हैं। PTI इमरान खान के साथ खड़ी है। ज्यादा परेशानी की बात नहीं। शेख रशीद ने कहा, जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देंगे। पार्टी में छोटी मोटी नोक झोंक लगी रहती है।